क्वेश्चन नंबर वन का जी और एच पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, इसको सावधानी से करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है -13 -31, तो इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं। अभी डिवाइड इसको सॉल्व करना होगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है तो इसको पहले ख़त्म करना होगा, ब्रैकेट को ब्रैकेट दे देते हैं, इस छोटा ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। -13 30 हो गया, -30 प्लस माइनस माइनस हो गया 1, और ये बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पे -30 -1 हो जाएगा -31, तो यहाँ हो गया -31 डिवाइड, और यहाँ भी हो गया -31। अब यहाँ दोनों जगह पे -31 हो गया है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं -31 by -31, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 31 1 जा 31 तो इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से एच में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड और फिर बाहर में भी डिवाइड है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास है -36 और नीचे में +12, तो 12 कितने बार में आता है, 36 थ्री बार में, 12 3 36 हो गया, तो इक्वल टू माइनस तो रह जाएगा, -3 हो गया, तो ये जो है यहाँ पे आ गया -3 और डिवाइड, ये 3 जो है इसको यहाँ पे रखते हैं। अब फिर से एक बार डिवाइड करते हैं, -3 by 3, ये कट गया 1 बार में, और ये माइनस रह जाएगा, इसका मतलब फाइनली क्या आया, फाइनली -1 आया, तो इसका आंसर जो है -1 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, एक लास्ट पार्ट इसमें बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आई पार्ट है हम लोग के पास, और यहाँ पे ब्रैकेट काफ़ी दिया हुआ है, इधर भी बड़ा ब्रैकेट, इधर भी बड़ा ब्रैकेट, बीच में यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में -6 प्लस, यहाँ पे -6 हो गया, +5 हो गया, छोटा ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड लेते हैं, और यहाँ पे फिर -2 हो गया, +1 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का छोटा ब्रैकेट हटा दिए हैं, अब यहाँ -6 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड, और यहाँ पे हो जाएगा, ये -2 है +1, तो यहाँ -1, यहाँ भी -1, तो फाइनली -1 by -1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में ही जाएगा, तो 1 ही रहेगा, तो 1 आ गया इसका, और ये 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे।